हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है, पर इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। ये बातें कौन सी हैं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस वर्ष ये पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। ये दिन चातुर्मास के समाप्ति का प्रतीक है और माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों का आरंभ किया जाता है, जैसे शादी, गृह प्रवेश और अन्य मंगल कार्य। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सच्चे मन से की गई पूजा जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देती है और घर में खुशियाँ लाती है। हालांकि देव उठनी एकादशी पर कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें और आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए जानते हैं ये बातें कौन सी हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन ना करने की परंपरा है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वालों को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए ताकि मन शुद्ध रहे और ध्यान भगवान की ओर केंद्रित रहे। चावल का सेवन ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से व्रत खंडित हो सकता है और इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें, क्योंकि माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती है। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है, तो इस दिन भूल कर भी ये काम ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन घर के किसी भी तरह का वाद विवाद और कलह से दूर रहें। खास तौर पर घर के बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए घर के वातावरण को सकारात्मक रखें। धन की बर्बादी ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन धन का फजूल खर्च ना करें। देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां धन का सदुपयोग होता है, इसलिए इस दिन धन को फजूल में खर्च ना करें और इस बात पर सावधानी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन घर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें। माना जाता है कि माता लक्ष्मी का वास स्वस्थ स्थान पर होता है, इसलिए घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें ताकि घर की शुद्धता पर प्रभाव ना पड़े और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो को और पाने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हर हर महादेव।